नमस्कार इंडिया, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब फैमिली मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये है हिंदी पर और ये खास करके यूपी पुलिस के लिए है। और अगर आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है इस बार 47,000 की। तो अगर आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये हिंदी पे है और यहाँ पे मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं का कलेक्शन है, ठीक है। साथ ही अगर आप कोई और भी हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बीएचयू बीए का एग्जाम देने वाले हो या फिर आप सीटेट या यूपीटेट वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ के लिए भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस हर जगह घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं, और इसके पहले भी मैंने कई सारे पार्ट्स बनाए हुए हैं जिसमें मैंने यूपी पुलिस के लिए हिंदी को पढ़ाया है, 3-4 पार्ट्स हैं। अगर आपने उनको न देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइए और वहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट की लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये दो पंक्तियां लिखी हुई हैं और पूछा है कि ये पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये पंक्ति किसकी है आपको ये बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, रहीम दास जी की, कबीर दास जी की, तुलसीदास जी की या दादू दयाल जी की। तो सही आंसर है दोस्तों इसका सेकंड, मतलब कि ये जो पंक्ति है ये कबीर दास जी की है। ओके, तो मैं इस वीडियो में बेसिकली आपको केवल आंसर्स बताने वाला हूँ हर एक क्वेश्चन का, और जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व करते हो तो आपको समझ नहीं आएगा कि किस टाइप का पेपर पैटर्न सेट होता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आंसर जाने यहां पर, अगर आपको कोई भी टॉपिक के डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता भी जाऊंगा इसी वीडियो में कि आपको कौन सा वीडियो देख लेना चाहिए जो कि पहले ही अपलोड हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात और मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा जोर से बजाइए, और ताकि आपको इसी टाइप के अच्छे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन होती रहे। अगर दोस्तों आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक बटन को जोर से हिट कीजिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हो तो उसी से हमें इंस्पिरेशन मिलती है और हम आपके लिए अच्छे वीडियोस बना पाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। ये भी दो पंक्तियां लिखी हुई है, ये बताना है आपको कि ये किसकी पंक्ति है, तुलसीदास जी की, मलुकदास जी की, रहीम दास जी की या फिर सूरदास जी की। तो दोस्तों ये है तुलसीदास जी की पंक्तियां, मतलब पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। यहाँ पे भी ये पंक्ति दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि ये पंक्तियां किसकी है, तो आपको बताना है तुलसीदास जी, घनानंद जी, मीरा जी या फिर सूरदास जी। चार ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये पंक्तियां दोस्तों सूरदास जी की, मतलब कि चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंध प्यारी को ललचाऊं। तो इस टाइप के देखिए क्वेश्चन अक्सर बन रहे हैं कि आपको दो पंक्ति कहीं से भी उठा के दे देगा और पूछेगा ये किसकी पंक्तियां, तो आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेने चाहिए। अब आपको यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिया है, राम नरेश त्रिपाठी, मैत्री सरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो ये चार में से आपका कौन सा आंसर सही है, फोर्थ ऑप्शन, माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये पंक्तियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल की कवित्री हैं, मतलब कि मैंने आपको बताया है, एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको हिंदी के सारे कालों के बारे में बताया, चार काल होते हैं, वही चारों ऑप्शन भी दिया है, आदि काल सबसे पुराना है, भक्ति काल, रीति काल और फिर आधुनिक काल, तो इस क्रम में चलता है। और मैंने सब बताया है कि किस संत से लेकर किस संत तक कौन सा काल है, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो देख लीजिएगा ताकि आपको सारे काल क्लियर हो जाए, ठीक है। महादेवी वर्मा जी की बात करें दोस्तों तो वो आधुनिक काल से बिलोंग करती हैं, मतलब कि यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कवि एक ग्रंथ की रचना करके अमर हो गया, सूरदास जी, मीरा जी, बिहारी जी या फिर घनानंद जी। तो इसका सही आंसर क्या है, सही ऑप्शन है दोस्तों बिहारी जी। बिहारी जी ने एक ग्रंथ की रचना की थी और उस ग्रंथ की रचना करने से वो अमर हो गए, आज भी हमारे बीच वो एक तरीके से हैं अपनी उस रचना के द्वारा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि साकेत किसकी रचना है, यहाँ पे पूछ रहा है साकेत किसकी रचना है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, श्रीधर पाठक जी, मैथिली शरण गुप्त जी, सुमित्रा नंदन पंत जी या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी।
तो इन चारों में से आपको बताना है किसकी रचना है। आपको मैं बता देता हूँ कि साकेत मैथिली सेन और गुप्त जी की रचना है, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहानी जो है वो ईदगाह पे पूछा हुआ है कि नेक्स्ट आपका ये ईदगाह एक कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई, प्रेमचंद जी, सुदर्शन जी, जैनेन्द्र जी या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों आपका प्रेमचंद, प्रेमचंद्र जी ने ईदगाह को लिखा था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद के उपन्यास का नाम, यहाँ पे वापस से प्रेमचंद जी के बारे में पूछ रहा है कि इन चार में से कौन सा ऐसा उपन्यास है जो कि प्रेमचंद जी ने लिखा है। चार ऑप्शन आपको देता है, चित्रलेखा, जहाज का पंछा, झूठा सच या फिर गोदान। बहुत ही सिंपल है, अगर गोदान की बात आ गई है तो जाहिर सी बात है गोदान बहुत ही फेमस उपन्यास है प्रेमचंद जी का, और इस पे तो टीवी सीरियल्स भी बन चुके हैं, अगर आपने शायद देखा है कि नहीं देखा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा कि गोदान जो है वो प्रेमचंद जी की रचना है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यहाँ पे नया क्वेश्चन देखते हैं, सत्य हरिश्चंद्र ये किसका नाटक है, मतलब इस नाटक को, इस ड्रामा को लिखने वाले उस लेखक का नाम आपको बताना है। तो यहाँ चार ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश या फिर विष्णु प्रभाकर। तो चारों में से किसका आपका कौन से सही है, तो ये है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक सत्य हरिश्चंद्र। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो नाम से, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसको लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक का क्या नाम है, मतलब कि हिंदी साहित्य का कौन सा ऐसा पुस्तक है इतिहास का, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, वो आपको जिसको लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उसका नाम क्या है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका, या फिर सरल हिंदी साहित्य का इतिहास, या हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैसे तो ये चारों बुक एग्जिस्ट करती है, लेकिन इन चारों बुक में से कौन सी ऐसी बुक है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, तो उसका सही ऑप्शन है दोस्तों फर्स्ट, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास जो आपका बुक है ये लिखा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं बनाम गुलाब ये किसका निबंध है, ये एक एसे है और इसको किसने लिखा था, गुलाब राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका गेहूं बनाम गुलाब, आप नाम से तो ऐसा मत कहिएगा कि गुलाब राय जी ने लिखा था, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही है, राम वृक्ष बेनीपुरी, मतलब कि राम वृक्ष बेनीपुरी का ये निबंध है, इसको राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा था, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा शब्द सही है, उज्ज्वल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कौन सा उज्ज्वल सही तरीके से लिखा हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप बताइए दोस्तों उज्ज्वल कौन सा सही लिखा है यहाँ पे। देखिए चार ऑप्शन देख लेते हैं, उज्ज्वल आपको पहला वाला ऑप्शन सही लग रहा होगा, ये तो एकदम ही गलत है क्योंकि उज्ज्वल लिखा है ये, और चौथा ऑप्शन उज्ज्वल ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ज है। तो पहला और तीसरा देख लेते हैं, अब आपको लग रहा होगा दोस्तों कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है उज्ज्वल, लेकिन सही मायने में दोस्तों सही उज्ज्वल लिखा है आपका थर्ड ऑप्शन। उज्ज्वल में ये हम लोग गलत लिखते हैं, उज्ज्वल में हमेशा दो ज होता है। ठीक है, हिंदी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि गलत लिखी होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ऋषि लिखना है, तो बहुत सारे से अगर बोला जाए ऋषि लिखने को तो वो इस तरीके से लिखेंगे अगर वो सही लिखते हैं तो, लेकिन सही बोलिए दोस्तों तो ये ऋषि ऐसे भी नहीं लिखते, ऋषि को ऐसे लिखा जाता है, री ऐसे लिखते हैं, फिर सी ऐसे होगा। ठीक है, तो ये है री लिखने का तरीका। तो बहुत कुछ ऐसा है दोस्तों जो कि अभी हम लोग गलत लिखते हैं और उसी को सही मानते चले आ रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से तीसरा वाला जो है आपका वो सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से भी आपको शुद्ध आपको बताना है कौन सा शब्द है, कवित्री या कवयित्री क्या कहते हैं, और देखिए चार ऑप्शन अलग अलग टाइप का दिया, एक कवित्री दिया है और इसमें दोस्तों देखिए बड़ी की मात्रा कर दिया, और इधर कवयित्री दिया है तो इसमें कवयित्री और कवियित्री ये चार टाइप का ऑप्शन दिया है, तो कौन सा शब्द सही है ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं बता दूं चौथा ऑप्शन सही है, कवयित्री होता है, मतलब पोएटेस इंग्लिश में कहते हैं वो ऐसी कवि जो कि महिला कवि हो उनको कवयित्री कहा जाता है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका संधि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, संधि है कि जगदीश का सही संधि विच्छेद बताना है। वैसे मैंने संधि पे दोस्तों चार वीडियो टोटल बनाए हुए हैं जहां तक मुझे याद आता है, पहले तीन वीडियो दोस्तों मैंने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इसको अलग अलग करके समझाया हुआ है पूरा डिटेल में, और चौथा वीडियो मैंने बनाया दोस्तों संधि की ट्रिक, आप कैसे ट्रिक के थ्रू संधि को पहचान सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि कौन सी संधि है। ठीक है, तो अगर आप संधि को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इन चारों वीडियो को आप देख लो, कहाँ पे मिलेगा ये वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उसमें मैंने जैसा बताया कि हर एक सब्जेक्ट का मैंने लिंक दिया है, तो आपको संधि पढ़ने के लिए हिंदी वाले सब्जेक्ट पे जाना होगा और वहां से आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई और वीडियो भी आप पढ़ना चाहें, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहें तो वो भी आप पढ़ सकते हो।
यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि संधि जो है, यहां पे आपको संधि विच्छेद करना है जगदीश का, तो क्या होगा इसका? तो दोस्तों देखिए, जगत धन ईश यहां पे ये होगा, ठीक है, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन जगत धन ईश ये आपका सही है, ठीक है। तो दो चीजें आप ध्यान दे दो, एक तो जगत आपको हो सकता है ये वाला सही लग रहा हो, लेकिन ये जगत नहीं होगा, यही आपको समझना है। और ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि दूसरा में तो द है। तीसरा की बात करें दोस्तों, इसमें जगत लिखा है लेकिन ध्यान दीजिए हलंत नहीं लगा हुआ है, तो हलंत लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संरचना शब्द का सूत्र, फिर से संधि विच्छेद पूछा है जिसमें से संरचना पूछा है। आप एक बार अगर संधि को ढंग से पढ़ लेते हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप वहां पे पढ़ जरूर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि संरचना का क्या होगा। तो ये होगा पहला ऑप्शन सम धन रचना, ये बनता है संरचना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, संरचना में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, तो अनुस्वार अगर लग जाता है तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य हो जाता है कि वो कैसे टूटेगा। इसका बहुत ही अच्छे से आपको ये सब बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा, तभी आप ये सब अच्छे से कर पाओगे। तो उसके लिए आपको वीडियोस देखना जो बहुत जरूरी है। फिलहाल यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तद्भव पूछा है। तद्भव देखिए दोस्तों, तद्भव पे भी मैंने 2 या 3 वीडियोस बनाए हैं, और अभी और भी वीडियोस बनाऊंगा। उन वीडियोस में मैं आपको और भी तद्भव के शब्द प्रोवाइड करूंगा, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं 900 के आसपास आपको शब्द देने वाला हूँ, लेकिन और वीडियोस बनाने में उन शब्दों पे मैं ध्यान नहीं दे पाया। अभी वो आपको प्रोवाइड कराना है, तो किसी दिन मैं आपको जरूर दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ के फॉर्म में भी दूंगा और वीडियो के फॉर्म में भी दूंगा। पीडीएफ आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, फेसबुक पेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको भी लाइक कर सकते हो। फिलहाल तद्भव पे जो वीडियोज मैंने बनाए थे, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था कि तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज होते क्या है ये सारे शब्द, और तद्भव पहचानने की ट्रिक बताया था मैंने। तो अगर आप उन्हें वो ट्रिक देखा होगा तो आप बिना सोचे यहाँ पर बता सकते हो कि तद्भव कौन सा होगा, रोना। चौथा ऑप्शन आपका सही है, जलज, हिम और प्रसून, ये तत्सम है, ठीक है। और रोना जो शब्द है वो क्या है, तद्भव है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे विदेशी पूछा है। अब देखिए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये 4 प्रकार के शब्द आपको पढ़ने होते हैं। तो विदेशी शब्द क्या होता है, मैंने बताया है उन वीडियोज में। तो यहाँ पे भी आपको एक बार छोटा सा हिंट कर देता हूँ, जैसा कि नाम से आपको ही जाहिर है कि विदेशी शब्द जो कि किसी दूसरी भाषा से आया हो, ठीक है। अब ये नहीं कि विदेश से आया हो, विदेश से आने का क्या मतलब है, विदेश से चल के आने का कोई मतलब नहीं बनता। ये दूसरी भाषा से आया, मतलब हिंदी से नहीं आया, संस्कृत का नहीं है, ये क्या है, किसी और भाषा का, जैसे उर्दू का हो सकता है, फारसी का हो सकता है। इन सारे भाषाओं से अगर ये हिंदी में ले लिया गया तो इसको विदेशी कहते हैं। और यहाँ पे भगदड़, वायुयान, अखबार और फटफटिया, इन 4 में से दोस्तों अखबार जो शब्द है ये विदेशी शब्द है, ठीक है। तो अखबार आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची पूछा हुआ है। जहां तक मुझे याद आता है पर्यायवाची का, तो मैंने आपके लिए 2 वीडियोस पर्यायवाची के बना के रखे हुए हैं पहले से, और दोनों वीडियोस में दोस्तों मैंने 50 और 50 करके टोटल 100 शब्दों का कलेक्शन दिया हुआ है। अभी भी मेरे पास लगभग 500-600 शब्द और हैं मेरे पास जो बुक है उसमें, तो वो भी जल्दी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप उन शब्दों को देख लेते हो तो आपकी पर्यायवाची भी काफी हद तक प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने लगभग पिछले 40 सालों का कलेक्शन है। एक्चुअली मेरे पास जो किताबें हैं उसमें 40 साल का कलेक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि घुमा फिरा के 40 साल बहुत होते हैं दोस्तों। एक्चुअली घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन आना है, कुछ नया इतना नहीं बन जाता कि कुछ नया पूछ ले, ठीक है, उन्हीं पेपर्स को फॉलो किया जाता है। तो 100 शब्द हैं आपके पास, अगर आप उनको देख लेते हो तो बहुत अच्छी बात। यहाँ पे बात करते हैं इंद्र का। तो इंद्र का पर्यायवाची अगर आपको पता है तब तो वाह वाह, तब तो आप आगे बढ़ जाओ। नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि यहाँ पे आपका जो इंद्र का पर्यायवाची होता है वो होता है सुरेश, ठीक है, मतलब चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी पर्यायवाची पूछा है, सांप पूछा है। सांप का पर्यायवाची बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो अक्सर पूछा जाता है सांप का। मकर, उपल, छीर या भुजंग, तो सही ऑप्शन आपका भुजंग है, सेकेंड ऑप्शन। भुजंग मतलब होता है सांप, स्नेक, ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ये था शायद फोर्थ पार्ट है ये, अभी मुझे याद नहीं, मैं चेक कर लूंगा फिर आपको थंबनेल में लिख के दे दूंगा। तीसरा या चौथा पार्ट है आई थिंक ये, जहाँ तक मुझे याद आता है दोस्तों चौथा पार्ट है ये। तो इसके पहले भी 3 पार्ट बन चुके हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। और एक काम और कीजिएगा दोस्तों कि आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और भी सब्जेक्ट्स के, और खासकर हिंदी के तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों ये चौथा पार्ट है, आगे भी आपको इसी टाइप के और भी पार्ट्स मिलते जाएंगे, तो आप उन पार्ट्स का इंतजार कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके हमें अपने साथ बना लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके घंटा बजाने से वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करे।
तो दोस्तों ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन कलेक्शंस मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, जल्दी ही मिलेगा, जल्दी फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।